Hello everyone, welcome back to our channel. Today in this video, I am going to start IUPAC Nomenclature for class 10th. This is a subtopic of carbonates compounds. Okay, now I am going to start. The first full form of IUPAC, this is International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, बहुत important है. Then start करते हैं हम लोग. सबसे पहले hydrocarbons क्या? आपको नोमेनक्लेचर से पहले क्या जानना हो, नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग, किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सेम हो. किसे हो सकता है, किसी बच्चे का नाम, रियल नेम क्या हो सकता है, कोई और हो लेकिन प्यार से लोग गोलू या चीकू के नाम से बुलाते हैं, तो उसका ओरिजिनल नेम वही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते हैं. जैसे कि यहाँ पे वो क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है. सबसे पहले क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. इसके यहां पे दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड है अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब देखिए सैचुरेटेड के अंदर किसको रखा गया है, सैचुरेटेड के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं ओनली अल्केन. इसको अल्केन, इट मींस कि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स. नेक्स्ट है, इसके अंदर हम लोग दो को रखते हैं, फर्स्ट दैट इज अल्किन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स, एंड थर्ड दैट इज अल्काइन. इट मीन दैट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम. ओके, सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, अल्केन मींस ए एन ई सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ई एन ई डबल बॉन्ड्स, वाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स. इतना क्लियर हो गया. देन मूव करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका जनरल फॉर्मूला क्या है. जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन, इसको आप लोगों को पूरी तरह से याद कर लेना. जैसे सी एन टू एन, ऐसे सी एन एच टू एन प्लस टू. नेक्स्ट सी एन टू एन, ठीक है, ए टू एन हो जाएगा इसमें. इसमें क्या है, सी